हेलो दोस्तों, आपने मेरे कमेंट्स में ये बोला था कि नागपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का फ्यूचर क्या है। दोस्तों, फ्यूचर नागपुर का जो है बहुत ही ब्राइट है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी डिसीजन होता है 25 साल में क्या हो रहा है और आने वाले 100 साल में क्या होगा, ये नागपुर से तय होता है। ये मान लीजिए आप पुराना हिस्ट्री आप देख लीजिए कि 10 साल पहले हम लोग कहाँ थे और आज 10 साल कहाँ हैं। जिन्होंने 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी लिए और आज इसका रेट अप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, आपका सवाल सही है और एक बात उसमें और एक ऐड कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेते वक्त किस लोकेशन पे लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए। प्रॉपर्टी जो डेवलपर है उसमें कौन डेवलपर है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पैसा किसका लगाया हुआ है। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाते हैं तो एक आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं होता, मैन फंड जमा करते हैं, वो पैन फंड किसका लगा है ये भी आपने जानना बहुत ज़रूरी है। तो नागपुर का फ्यूचर एक दिशा की ओर जा रहा है। अभी आप नागपुर में मेट्रो बन गई है, अब मेट्रो का एक्सपांशन हो रहा है, तो आप उस दिशा की ओर जाइए। आपको समझ में आएगा कि अगला स्टेशन कौन सा है, फिर दूसरा स्टेशन कौन सा है। ऐसे आने वाले 7-8 स्टेशनों का काम आज के डेट में चालू है। आप अगर अपना हार्डर मनी लगाना चाहते हैं, लोअर मिडिल क्लास आपका प्रॉपर्टी नहीं है तो लेना चाहते हो, आप एक बार विजिट करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, बहुत R&D करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पर आप कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा कि आप प्रॉपर्टी कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। बैंक लोन में अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर्टी लेते वक्त इन्वेस्टमेंट है तो एक 7-8 साल 10 साल का विजन रखिए। अगर प्रॉपर्टी अगर आपकी होम बाइंग है, 2 BHK 1 BHK 3 BHK लेना चाहते हैं, 2 BHK में 3 BHK शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप पहले अपना फंड्स देख लीजिए। अपने फंड्स को आने 10 साल तक कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। ऐसी ही हमेशा जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो का प्लान है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आपको जहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहिए वो लेना चाहिए, लेते वक्त क्या क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे ली जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य रहता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य रहता है। और दोस्तों, दिशा अब अगर नागपुर में रहते तो बेसा से आगे वाले 5 किलोमीटर की दूरी का विज़न रखिए, पिपला से 3 किलोमीटर का विज़न प्लान करिए, नागपुर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर का विज़न रखिए, 15 किलोमीटर भी रख सकते हैं। अन्य 15 किलोमीटर थोड़ा टाइम लगेगा कि बुटीपुरी मेट्रो स्टेशन कब बनता है, उस दिन आप एक बार देख लीजिएगा। मेट्रो में कोई अगर आपके फ्रेंड्स काम करते हो इनर सर्कल में तो उनके आप पूछ लीजिएगा। जानकारी लेना बहुत जरूरी, विदाउट R&D किए प्रॉपर्टी लेना गुनाह है, पैसे डूबते हैं। और आपने देखा है कि कोर्ट के मैटर बहुत लॉन्ग प्रोसीजर में होता है, अपने पैसे डूब जाते हैं, हम लोग बैक डाउन हो जाते हैं, तो बाउंस बैक करने को बहुत टाइम लगता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी हम आपका लेकर आते हैं। नीचे जो बोर्डलाइन नंबर पर फ़ोन करिए और हमसे कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे, आपका स्नेह प्यार देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।